भारतीय कुश्ती संघ और ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे पहलवान अब अपनी लड़ाई सड़कों के बदले अदालत में लड़ने का फैसला कर चुके हैं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन अब सड़क पर दंगल नहीं होगा। ये जानकारी महिला पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट के जरिए दी है। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट में लिखा, सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादे पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों के मामले में FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। इस केस में पहलवानों की कानूनी लड़ाई सड़क की जगह कोर्ट में जारी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुश्ती संघ के सुधार के संबंध में नई कुश्ती संघ के चुनाव की प्रक्रिया वादे के अनुसार शुरू हो गई है। चुनाव 11 जुलाई को होना तय है। सरकार ने जो वादे किए उस पर अमल होने का इंतजार रहेगा। साथ ही साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया है, जिसकी जानकारी दोनों ने अपने ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दें कि देश के नामी पहलवानों ने बीते 5 महीने से बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। पहलवानों ने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी पहलवान ब्रिजभूषण के इस्तीफे की मांग करते हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवानों ने FIR में लगाए गए अपने आरोपों को वापस ले लिया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स लाइव।